बात कहाँ से मैं बेटा बाहर क्या खाओगा मेरा गुड्डा बाबा वाला नाश्ता। अरे यार अच्छा तो मैं बना रही हूँ जल्दी क्या ले लो बेड ले लो चलो अच्छा नाश्ता ला रही हूँ आपका ठीक है। तो मैंने नाश्ते में अपने हस्बैंड और बच्चों को जो ना पराठे बना के दिए थे और मैं रात की रोटी तलकर खा रही हूँ तो मुझे बहुत पसंद है रात की तली हुई रोटी और मैंने बनाए थे आलू पालक और साथ में मैंने एक कबाब तला है और मज़ेदार सी चाय। अल्लाह हाफिज़ जहांगीर। तो बस मेरे हस्बैंड और जहांगीर जो है दोनों साथ गए नमाज़ पढ़ने के लिए और मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन की हालत देखें मुझे ऐसा लगता है कि नाश्ते के बाद जो है ना किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है बनिस्बत जो है ना खाने या दूसरी चीज़ों के, क्योंकि किचन में जो है ना ये होता है कि जब ब्रेकफास्ट बन रहा होता है तो अंडे के बर्तन होते हैं चाय और पराठे तो वो पूरा एक अहतमाम हो रहा होता है नाश्ते का और तो मुझे ऐसा लगता है कि बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत खाने के ब्रेकफास्ट के बाद। तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे किचन को अपनी क्लीन करके उसके बाद नमाज़ अदा करूँगी और फिर उसके बाद मैं करूँगी नियाज़ की तैयारी। तो एवरी फ्राइडे मैं पढ़ती हूँ सूरह कहफ जो कि बहुत ज़्यादा फजीलत वाली है और आप लोग भी कोशिश किया करें बल्कि यकीनन बना लें इसको कि हर जुम्मे के दिन जो है ना सूरह कहफ की जो है तिलावत करें, क्योंकि ये सूरत बहुत ज़्यादा फजीलत रखती है और हर जुम्मे को इसका पढ़ना बहुत ज़्यादा जो है ना बरकतें लेकर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आबाद होंगे। तो आज बहुत ही बाबरकत दिन है, आज है 11वीं शरीफ का दिन और आज दिलवाऊँगी मैं अपने घर में बहुत ही अच्छी सी नियाज, कोशिश करूँगी कि अच्छी सी दिल जाए और अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल करे। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आ रही थी आप लोगों की कि आप अपनी रूटीन शेयर कीजिएगा कि आप 11वीं की नियाज किस तरह दिलवाती हैं और क्या क्या आप लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आज आप लोगों को बहुत अच्छा सा एक ब्लॉग दे सकूं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बादामी कोरमा, बीफ बादामी कोरमा जो कि 5 kg बनाऊंगी मैं और उसकी रेसिपी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बहुत ही आसान लफ्ज़ों में और बहुत आसान तरीके और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो इंस्टाग्राम की आईडी मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि इंस्टाग्राम की आईडी क्या है, तो इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरी सेम नेम गुड़िया की दुनिया के नाम से ही है। तो आप लोग मुझे वहाँ। तो यहाँ पे बादामी कोरमा बनाने के लिए मैंने 5 किलो यहाँ पे गोश्त ले लिया है, 1.25 किलो तकरीबन दही है, 1/2 किलो दूध है, 1.5 किलो प्याज मैंने ली थी जिसमें आधी जो है ना घर की तली हुई थी और आधी बाज़ार की तली हुई इस्तेमाल की थी, और 1/4 किलो तकरीबन मैंने ऑयल इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे मैं चारों मगज़ जो है ना ये पीस के रख रही हूँ और साथ में मैं एक प्याली जो है ना बादाम की ले लूँगी और एक प्याली भरकर पिसा हुआ खोपरा। तो चारों मगज़ मैंने तकरीबन 50 रुपये के मंगवाए थे तो 50 रुपये के देखें पीस कर इतने से हो गए। तो ये तमाम जाएंगे कोरमे के अंदर और बहुत अच्छा बनता है, इस रेसिपी से बहुत अच्छे तरीके से बना लिया था मैंने। अगर आप लोग चाहें तो आप बाज़ार का भी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बस संभालना होता है। बिक दिए एकदम ही चारों मगज़ मैंने पीस के रख दिए और ये पिसा हुआ खोपरा है यहाँ पर, तो ये पिसा हुआ खोपरा भी है और ये मसाला है सारा, ये कोरमे का मसाला है। तो आप लोगों के आसानी के लिए मैंने लिखकर यहाँ पे जो है ना दे दिया है आप लोगों को, और ये 3 चीज़ों के जो नाम आ रहे हैं ना ये मैंने साबुत भी डाली थी ऊपर से, तो इससे जो है ना इसका जायका और ज़्यादा अच्छा बनता है और थोड़ा सा जब ये कोरमे में नज़र आता है ना तो और ज़्यादा कोरमा आपका अच्छा लगेगा। अब यहाँ जल्दी जल्दी मैं जो प्याज है क्योंकि आधी मैं घर में ब्राउन करूँगी और बाकी मैं तली हुई प्याज बाज़ार की इस्तेमाल करूँगी। वैसे मेरा इरादा था
कि मैं प्याज सारी जो है ना घर में ही बनाती, लेकिन गैस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था तो ये थोड़ी सी प्याज ही बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा देर लग गई थी। 1 घंटा मुझे तकरीबन इसी में ही लग गया था। तो बस यहाँ पे अब चलते हैं तैयारी की तरफ। तो मैं यहाँ पर ईवा ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों के पास जो भी अच्छा कोई कैसा भी आपके पास ऑयल हो, जैतून का इस्तेमाल करें या कैसा भी इस्तेमाल करें। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे जो है ना 1 किलो का पूरा ये पाउच था जो आप लोगों के सामने, मैंने यहाँ पे सील पैक खोला है इसका, तो एक पूरा पाउच ये चला गया और बाकी बाद में जो है ना मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने आधे थोड़ा कम जो है ना और मैंने एक पाउच ले लिया। तो तकरीबन एक किलो का पूरा और एक प्याली तकरीबन और ले लें। प्याज देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बन गई, यहाँ पे घर की बनी हुई प्याज है और बहुत क्रिस्पी सी, बहुत बेहतरीन। और यहाँ पे आधी मैं ये जो रखा हुआ पैकेट नीचे, आधा पैकेट जो है मैं बाज़ार का इस्तेमाल करूँगी, तो ये टोटल मिलाकर तकरीबन 1.5 किलो प्याज हो जाएगी। तो 1.5 किलो प्याज का मैं भगार यहाँ पे बना के पीस के एक तरफ रख दूँगी। और अब यहाँ पे मैंने गोश्त शामिल कर दिया है ऑयल के अंदर और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है होममेड है, मैंने घर में बनाया था। इसकी मैं आप लोगों को रेसिपी दे चुकी हूँ कि किस तरह से मैं स्टोर करती हूँ, किस तरह सेव करती हूँ अपने अदरक लहसुन को। तो यहाँ पर तकरीबन जो है ना 2 प्याली आप भर कर जो है ना अदरक लहसुन का डालेंगे, क्योंकि 5 किलो यहाँ पे कोरमा है तो तकरीबन 2 प्याली आप भर कर डाल दें। तो इससे ये होगा कि इसकी हीक वगैरह जो है वो सारी चली जाएगी। अब यहाँ पे गोश्त को इतना भून लेना है कि जो है इसकी हीक और इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो मैंने एक तरफ जो है गोश्त को पकने के लिए छोड़ दिया है अदरक लहसुन के पानी के अंदर, तो वो पकता रहेगा जब तक इसकी हीक वगैरह चली जाएगी। तो उतनी देर में मैं यहाँ पे तली हुई प्याज को पिसवा लूँगी बच्चों से। बच्चों को मैं ज़रूर बिठाती हूँ अपने साथ, जब भी इस तरह की कोई नियाज वगैरह का अहतमाम होता है तो बच्चों को साथ ज़रूर बिठाना चाहिए, ताकि बच्चों में भी शऊर आना चाहिए कि किस तरीके से अहतमाम किए जाते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे भी अपने काम से लगे हुए हैं, एक तरफ चूल्हे पे गोश्त भी पक रहा है। अब यहाँ में 1.25 किलो तकरीबन ये दही है, तो इस दही को मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और इसको अच्छे तरीके से फेंट कर इसमें तमाम अपना जो कोरमा मसाला है वो मिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके से जो मोटे मोटा यहाँ पर दही है ना उसको मैं फेंट रही हूँ और साथ में यहाँ पर जो कोरमा मसाला है वो तमाम मिक्स कर दूँगी इस दही के अंदर। ये देखिए इस तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी ताकि कोई घुटली वगैरह इसमें रह ना जाए। तो एक तरफ यहाँ पे जो है ना जहांगीर को काम पे लगाया हुआ है और दूसरी तरफ इबाद काम पे लगा हुआ है। तो इबाद यहाँ पे जो है ना बादाम के छिलके उतार रहा था और जहांगीर जो है ना वो प्याज को कूट रहा है। लो इसको अपनी शादी की लग गई, ओ भाई बीवी की लग गई इनको। बेटा अपने माँ के साथ तो करवा लो काम, माँ के साथ अभी करवाया नहीं, बीवी की लग गई तुम्हें। अच्छा जी, तो देखिए सारा जो, हाँ सही है, जल्दी जाओ दूर जाना। तो आज 11वीं शरीफ का दिन था और हुजूर गौसे पाक के नाम का जो है आज लंगर बैठता है और तमाम जितने भी अकीदतमंद लोग हैं उनके नाम की नियाज दिलवाते हैं। और ये कोई आम हस्ती, कोई छोटी हस्ती नहीं थे, अल्लाह ताला के बहुत ही कर्ब वाले जो है ना ये इंसान थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलकर गुजारी और अपनी इबादतों से, अपने इश्क से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से इन्होंने एक रुतबा पाया। और इनको वलियों का सरदार भी कहते हैं क्योंकि तमाम वलियों के जो है ना ये एक जो ऊपर जो कहलाते हैं ना कि ऑनर जो कहलाते हैं वो हैं। तो जिन्होंने अपनी इबादतों से अल्लाह ताला का इतना कुर्ब हासिल किया और अल्लाह पाक ने इनको पूरी दुनिया में इतनी इज़्ज़त और इतना मुकाम दिया। तो बस इबादतें ही होती हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है जो कि इंसान को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा देती है। तो यहाँ कौरमा बनाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। गोश्त को मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छे तरीके से भून लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे कौरमा मसाला जो कि दही में मैंने शामिल करके रख दिया था उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसमें मैं पानी डाल दूँगी, पानी में इतना डाल लूँगी कि मुझे अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि गोश्त मेरा इतने पानी में गल जाएगा। तो यहाँ मैं मिक्स कर रही हूँ मसाले को, गोश्त को मिक्स कर रही हूँ मसालों में। और ये थोड़ा सा जो मसाला बचा था ना बाउल में उसको भी मैं पानी डालकर डाल दूँगी ताकि कोई भी चीज़ जो है ना ज़ाया ना हो। तो ये थोड़ा सा मसाला जो बाउल में रह गया था इसको मैं पानी मिक्स करके और ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा पानी में और डालूँगी। तो मुझे लग रहा है कि इतने पानी में जो है ना मेरा गोश्त तकरीबन गल जाएगा।
तो तकरीबन मैंने यहाँ पे आधा जग डाला था, और क्योंकि मैं यहाँ पे कोई प्रेशर कुकर वगैरह यूज़ नहीं कर रही थी, तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो 1.5 घंटे के बाद जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो बहुत ज़बरदस्त सा रोगन भी आ गया था, और गोश्त मेरा बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से गल गया था। ये देखिए, मैं यहाँ पे नाइफ़ की मदद से देख रही हूँ, तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से बोटी जो है ना वो टूट रही थी कि मुझे और पकाने की और इसको गलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पर बस जब रोगन अलग हो गया और जब गोश्त गल गया, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ये पिसा हुआ खोपरा प्याली भर कर जो मैंने ले लिया था, और यहाँ पर हैं ये चारों मगज़। तो मैंने 50 रुपये के मंगवाए थे, तो इतने मेरे काफ़ी रहे थे, और ये भी मैंने पीस कर रख लिए थे। और ये प्याज है जो तली हुई, मैंने 1.5 किलो तकरीबन इस्तेमाल की है, तो ये जो ना तलने के बाद और पिसने के बाद इतनी सी लग रही है, लेकिन ये पूरी 1.5 किलो प्याज है। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब इसकी भुनाई होगी बहुत अच्छे तरीके से। तो ये प्याज जो है ना मैं अपनी ऐड कर रही हूँ इसी मसाले के अंदर, और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना कोरमा बन गया था मेरा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, इससे पहले मैंने इतना कोरमा कभी भी नहीं बनाया, लेकिन यकीन करें कि जो चीज़ दिल से और मोहब्बत से बनाई जाती है ना, तो वो चीज़ अच्छी बन जाती है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि खाने को प्यार और मोहब्बत से जितना बनाएंगे खाना, उतना ही टेस्टी बनेगा। खाने को जितना बेजार होकर बनाएंगे खाना, उतना ही बेकार बनता है। तो माशाल्लाह से ये है कि मैं कोई इतना ज़्यादा घबराती नहीं हूँ, मैं टास्क के तौर पे, मैं चैलेंज के तौर पे कबूल करती हूँ, तो बस काम अच्छा हो जाता है। और बस दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और अल्लाह ताला के हवाले कर दें हर चीज़ को, तो वो अच्छी तरीके से पूरी हो जाती है। और ये रेसिपी वैसे मैंने अम्मी को मैंने देखा तो लाइव नहीं था बनाते हुए, लेकिन मैंने रेसिपी अम्मी की ही ट्राई की है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अम्मी के चैनल पर आप लोगों को ज़्यादा और जो डिटेल से रेसिपी मिल जाएगी। अब यहाँ मैंने जो है ना थोड़ा सा पानी डालकर भूनने के बाद रख दिया था, और इसमें मैंने हरी मिर्ची ऊपर से शामिल कर दी। वैसे अगर आप लोग डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मुझे ख़ुद पर्सनली अच्छी लगती है हरी मिर्ची की खुशबू, तो इसलिए मैंने 5 से 6 अदद जो है ना हरी मिर्ची ऊपर से डाल दी। पानी भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना गाढ़ा रखना है, कितना आपको पतला रखना है, तो वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पतला कोरमा पसंद नहीं है, और ना बहुत ज़्यादा जो लपटा होता है ना बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा, मुझे वैसा भी कोरमा नहीं पसंद। मुझे बिल्कुल नॉर्मल अच्छा लगता है कि थोड़ा गीला गीला भी हो और थोड़ा सा जो है ना खुश्क भी हो। तो मैं पानी अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही थी इसमें। और रोगन देखिए कितना बेहतरीन सा आ गया है यहाँ पे, और बिल्कुल कोरमा मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। और मैंने यहाँ पे कोरमा एसेंस भी ऐड किया था, लेकिन उसकी क्लिप जो है ना मैं बना नहीं पाई, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत तंग कर रहे थे, और गैस जो है ना बार बार जा भी रही थी। सिलेंडर के बावजूद भी जो है ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है इस कोरमे को बनाने के लिए। और ऊपर से मैंने इसके अंदर जो है ना अदरक शामिल कर दी है लंबानी में काट के, तो इससे जो है ना कोरमे की खुशबू और ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना कोरमे को निकालेंगे, और मैंने डिस्पोजेबल डिशेस मंगवा ली थी ताकि मैं आसानी से जो है ना इस कोरमे को बांट सकूं। तो हम लोग बस एक छोटे से मग की मदद से जो है ना कोरमे को निकाल रहे हैं, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और फ़र्स्ट टाइम में इतना अच्छा कोरमा बना, तो मुझे बहुत अंदर से जो है ना मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैं इतने अच्छे तरीके से ये निकाल रहे थे, और साथ में मैंने यहाँ पे मिठाई भी मंगवाई हुई है, तो मैं मिठाई और कोरमा दोनों चीज़ें बांटूंगी। इरादा मेरा था कि घर में कुछ मैं मीठा बनाऊं, लेकिन इसी में इतना टाइम लग गया, और सेकंड ये था कि गैस का बहुत इशू हो रहा था, तो इसलिए मीठे को फिर मैंने जो है ना बनाना मुनासिब नहीं समझा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी ये कहा कि बाज़ार से मिठाई मंगवा लो, मिठाई और कोरमा दोनों साथ बंटवा दो। तो बस अल्लाह पाक सबकी कोशिशें, सबकी छोटी मोटी ये कोशिशें होती हैं, तो अल्लाह पाक बस अपनी बारगाह में कबूल करे। तो अल्लाह पाक बस सबके घरों में सुकून दे और बरकतें दें, और सबके लिए जो है रिस्क हलाल के जो है ना
وہ ذریعے بنائیں. اور جو لوگ پریشان ہیں اس دنیا میں, جتنے بھی لوگ پریشان ہیں خاص طور پہ رزق کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, کیونکہ مجھے بہت کمنٹس آ رہی ہیں ان دنوں, تو بہت زیادہ ہی آ رہی ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, تو بے شک میں بھی دعا کروں گی, لیکن آپ خود بھی اپنے لیے دعا کیا کریں. اور جتنے لوگ کمنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی دعا کیا کریں, کیونکہ ایک مومن کی دعا جو ہے نا وہ دوسرے مومن کے لیے بہت جلدی قبول ہوتی ہے. تو اللہ پاک بس سب کے گھروں میں رزق کی برکت دے اور سب کو محتاجگی سے بچائے. اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں, اللہ پاک سب کے دلوں کے حال جانتا ہے, سب کے حالات جانتا ہے, وہ سب سے زیادہ جو ہے مہربان ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو بے شک وہ اپنے بندوں سے اتنا ہی کام لیتا ہے جتنا جو ہے نا اس کے بندے برداشت کر سکتے ہیں, اور اتنی آزمائش ڈالتا ہے جتنا کہ اس کے بندے برداشت کر سکتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے کہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے. آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو میرا کیسا لگا مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. انت نور اللہ فجران جئت بعد العسر یسران ربنا علاك قادران يا امام الانبياء.